सबको जय मसीह। मैं फ्लूट मेकर अमर सिंह, मैं असम सिलचर का रहने वाला हूँ। और मैंने 2 साल पहले भी मैंने फ्लूट मेकिंग करने के लिए भी बताया था। आज मैं फिर से मैं ये जो सी स्केल का बारे में मैं एक फ्लूट बना करके दिखाऊंगा, ताकि हर कोई लोग सी स्केल मांगते हैं। तो सी स्केल ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा फ्लूट है सी स्केल, मिडिल स्केल का जो है। तो मैं आज इसका जो डायमीटर और इसका जो है कहाँ कहाँ होल करना चाहिए आपको, वो भी मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो है कोई भी ब्रांडेड फ्लूट आप ख़रीदेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, 2000 के ऊपर ही है, और 2000 3000 4000 तक का है सी स्केल का फ्लूट में होता है, बहुत बहुत महंगे फ्लूट भी होता है। तो आज मैं जो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भाई लोग ऐसा है जो बांस का होते हुए भी और बांस होते हुए भी खरीद नहीं सकते है, और मतलब बना नहीं सकता है, तो कुछ बनाने के लिए लोग भाई लोग इच्छुक है, तो मैं इसको आज मैं बता दूंगा मैं किस तरह से बनाता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने इसको जो है आपका ये जो इस तरह से एक टेप इंची टेप होना चाहिए, तो बांस का जो 19.5 इंच लंबाई जो है वो मैंने इसमें मार्किंग कर दिया है ना। और उसका बाद जो है आपका ये जो इस जगह पे मैं ब्लोइंग होल बनाएंगे, ब्लोइंग होल बनाने के बाद तो आप ब्लोइंग होल से आप लीजिए, अब मैं ये जो 19.5 इंच का, तो पहले ब्लोइंग होल जो है 7.2 सेंटीमीटर में आप एक मार्किंग कीजिए, और उसका बाद जो है यहाँ 24.5 में एक मार्किंग कीजिए, उसका बाद जो है 27.6 में एक मार्किंग कीजिए, और 30.6 सेंटीमीटर में भी एक मार्किंग कीजिएगा, और उसका बाद जो है 34.5 में भी एक मार्क कीजिए, उसका बाद जो है 36.5 में भी एक मार्क कीजिए, और उसका बाद 40.1 सेंटीमीटर में एक मार्किंग कीजिए, उसका बाद जो है ट्यूनिंग होल जो है 45 सेंटीमीटर में एक्यूरेट 45 सेंटीमीटर में मतलब मार्किंग कीजिएगा, उसके बाद लास्ट ये 49 सेंटीमीटर का इसका लंबाई है, यानी कि सी स्केल का फ्लूट। मैं इसको जो है आपको मैं डिटेल से मैं बता दिया, और ब्लोइंग होल जो है आपको 11.5 एम एम में इसका होल कीजिएगा, कोई 12 mm में भी बनाता है, और मैं 11.5 में बनाता हूँ। और उसका बाद जो है ये जो पहला वाला होल जो है इसको भी आप 11 mm में रखिए, ये भी 11, ये भी ये जो 11 से थोड़ा सा कम भी रख सकता है, और आप स्केल में जब ये भी 11 हो सकता है, और ये जो है 10.5 में रखिए, उसका बाद जो है ये 12.5 में रखिए, ये जो ये होल 12.5, उसका बाद जो है लास्ट वाला जो ये जो होल जो है ये भी 11 mm में रखिए, और ट्यूनिंग होल जो है आपका 10.5 mm में रखिएगा। और बम्बू का जो है इसका एक्यूरेट इसका जो है इसका 19 mm का है, उसका जो डायमीटर जो है 19 mm का होता है, उसका वॉल थिकनेस आपका कम से कम मतलब 2.5 mm भी होना चाहिए या 2 mm भी होना चाहिए, जो भी आपका सुविधा अनुसार। तो मैं आप इसको होल करके दिखाता हूँ। होल करने से पहले जो आपके पास जो डाई ग्राइंडर होना चाहिए और आपका जो कटर भी होना चाहिए, कटर तो छोड़ दो, आपको मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। उसका बाद जो है होल करने से पहले आपके पास एक फैन होना ज़रूरी है, इसको बोलते हैं डाई ग्राइंडर, मैं पहले भी बता रखा हूँ, इसका अंदर स्टोन बिट लगा रखा है, तो स्टोन बिट है, स्टोन बिट से आप आराम से इजीली पहले क्या करते थे, जो आग में सरिया जला करके करता था, तो सरिया जला करके जो आग से जला करके जो होल करते थे, तो वो उसमें काफ़ी क्या बोलते हैं नुकसान होता है, तो इसीलिए जो है ये जो स्टोन बीट जो है इसको बोलते हैं स्टोन बीट, ये लोहा का नहीं होना चाहिए, स्टोन का बना हुआ होना चाहिए। तो लोहा वाला क्या होता है,
मतलब बांस को खराब कर देता है, लेकिन ये स्टोन क्या है ताकि बांस को जलाते हुए अंदर घुस जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको जलाता है। तो सबसे पहले ऑल करने से पहले फैन को ऑन कर दीजिएगा, आपके पास एक फैन भी होना जरूरी है छोटा सा, ताकि उसका जो धुआं जो है काफ़ी निकलता है, उस धुआं को आप अपने सांस में नहीं प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी ऑल करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट पहले होल इसलिए बना दिया, ये जो 10 mm का ही बीट है इसलिए मैंने सबको एक होल बना दिया। अब जो है ट्यूनिंग का जो मैं प्रोसेस निकालूंगा, अभी किस तरह से ट्यूनिंग करना है, मैं मतलब कौन सी होल में मतलब सुर को ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मैं मतलब आराम से मैं कर सकता हूँ। तो और एक जो है मेरे पास जो है ये जो 15 mm का एक ये बीट है, ताकि शंकु आकार का है, पॉइंटेड है ये, इससे मैं थोड़ा थोड़ा और पास ये चाकू होना चाहिए, ये जो सार बहुत शार्प है ये चाकू, तो इस चाकू से आपको जो है इसको जो है साफ करना चाहिए अंदर का जो है फिनिशिंग को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपका जो है नॉर्मली जो बनाता है इसी का हिसाब से मैं बना कर दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप प्रॉपर है सुर, प्रॉपर सुर होगा इसमें। मैं चेक करके मैं आपको दिखा दूँगा, दिखा देंगे बजा के भी दिखा दूँगा मैं। और आपको जो है ये जो ये राइट हैंडी फ्लूड है, तो राइट हैंड है तो आपका जो है आपका जो बाहर वाला जो साइड जो है होल है उसका बाहर की तरफ जो है मतलब अंदर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इसको शार्प होना चाहिए अंदर,
अंदर हल्का हल्का इसको जो है ब्लोइंग होल का अंदर जो है अंदर की तरफ घिसना चाहिए। तो ये जो है इससे आप आराम से इजीली आराम से इसको जो है कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है बनाने में। एमरी पेपर लीजिए, अभी एमरी पेपर से आपको हल्का हल्का हर एक होल को इस तरह से रोल कीजिएगा एमरी पेपर को। उसके बाद जो है ब्लोइंग होल को आप फिनिशिंग कर दो हल्का हल्का। बाद में आप सुर पक्का करते समय जो है आहिस्ता आहिस्ता आप ये कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको फाड़ दीजिए, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको। तो इसको जो है मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ आपके, ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी ना हो, आपको दिक्कत भी ना हो, नहीं तो आप लोग मुझे गाली देते रहोगे ये इतना बहुत बड़ा लंबा वीडियो बनाता है बोल करके। पर मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे गाली ना दे। लंबा वीडियो होने से देखने में भी मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं फटाफट काम को निपटा रहा हूँ और आपको दिखाने का चक्कर में। तो ये भी और थोड़ा बड़ा हो गया, चलो इसको फाड़ देता हूँ थोड़ा सा। अभी नॉर्मली फिनिशिंग क्या है, बाद में फाइनल फिनिशिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके अंदर जो स्टॉपर जो है अभी नॉर्मली अभी इसका जो है ये थर्मोकोल का पीस है, इसे सुर चेक करने के लिए आप इसको लगा सकते हैं। बाद में फाइनल आप मतलब इस तरह से जो है वो लकड़ी का या तो मतलब कोई कैन का पीसेस काट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, फाइनली ये कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं इसको ये करके दिखाता हूँ। तो सुर को चेक करने के लिए आपको तानपुरा लगा होना चाहिए, साथ में आपको अब मैं जो है मैं फिलहाल जो है मैं इसे करता तानपुरा नहीं होगा, अभी मैं इसे कर देता हूँ आपको पिच लेप द्वारा, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ सुर को। Thank you.
ये है फ्लूट, इस तरह से तैयार होता है। अभी ये फिनिशिंग बहुत बाकी है इसमें फिनिशिंग करने के लिए। तो एक्चुअली बांस जो है, हमारा जो बांस होता है, ये जो हीट ट्रीटमेंट वाला बम्बू है, फ्राई किया हुआ है, रिफाइन ऑयल से फ्राई किया हुआ है। और इसमें जो है, ये तो मैं बर्बली ऐसे बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको मतलब बनाने में मदद मिले। और इस तरह से जो किसी किसी का बनावट में क्या होता है कि जो है, ये दोनों का जो होल जो है, ये जो प और ध के बीच में जो होल काफ़ी गैप्स होता है, लेकिन मेरा जो फ्लूट में जो है थोड़ा सा मतलब क्लोज होगा, और ताकि आपको जो बजाने में दिक्कत ना हो, है ना। तो खास करके मतलब आवाज़ में तो मीठा होना चाहिए, दूसरी बात तो मतलब इसका बम्बू का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, उसके बाद बांसुरी का फिनिशिंग सही होना चाहिए। तो आप जो बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जो मैंने जो 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 कभी जिसने ज़िंदगी में कभी फ्लूट बनाया नहीं वो भी बना सकेंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया होल का जो डायमीटर बना, सबसे पहले बांस का जो इसका जो डायमीटर पे फिर से बता रहा हूँ 19 mm का होना चाहिए, और बांस का जो लंबाई जो है 19.5 inch लंबाई होना चाहिए। उसके बाद बाकी मैं जो आपको जो इसे लंबाई जो बताया सेंटीमीटर में मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर जो 7.2 cm में होल कीजिएगा, है ना। उसी तरह जो मैंने पहले बताया था वो उसी तरह से आप मतलब मार्किंग करके मतलब कीजिए। और होल करने से पहले जो है आपको सबसे पहले जो मतलब इसको सेंटर को देखिए, बांसुरी किस तरह से हल्का सा बैंड है या मतलब हल्का सा झुकाव किस साइड में है, तो ऊपर जो हल्का सा उठे हुए भाग में उस तरफ से खींच लीजिएगा लाइन को। आप इस तरह से पेंसिल को पकड़िए, आप सीधा इसको एक लाइन मार दीजिए, उसके बाद आप आराम से इजीली एक एक करके होल बना सकता है। और सब आपका जो है सबसे पहले नीचे का जो है ट्यूनिंग होल को जो है आपको इसी तरह से आप मतलब चेक कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, फ्लूट जो है बहुत लोग जो है पैसा दे करके खरीद नहीं सकते, ऐसे बंदे हैं जो खुद बनाना चाहते हैं और बजाना चाहते हैं, तो इनके लिए मैं खास करके ये वीडियो बनाया। तो बाकी मुझे माफ़ कीजिएगा कि कोई इसमें जो मेरे से कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरा मेरे से अगर कोई फ्लूट लेना चाहता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7577981036, मैं आपको कोई भी फ्लूट बना करके तैयार करके दे सकता हूँ, और बांस का जो है मतलब इस तरह से डिजाइनिंग करके भी दे सकता हूँ। बांस में जो है मतलब कोई कलरिंग मतलब ये जो हीट ट्रीटमेंट करके ये कलर किया है, तो इस तरह से मैं बना करके भी दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग मतलब जो भी भाई देखेंगे तो आप सब्सक्राइब करें या ना करें, और ज़रूर आप बनाना सीखें, और देश के बच्चे बच्चे और जो है बहुत ज़रूरी है ये फ्लूट बनाना, और उसके बाद जो है बजाना सीखना, और खुद सबसे पहले सबसे अच्छी बात तो खुद बनाना बनाकर खुद बजाएं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे लोग ऐसे खुद बनाना चाहते हैं और बजाना भी चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं वीडियो तैयार किया मैं खास करके, ताकि इनको बनाने में मदद मिले। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।